साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार लूनिया, लूनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आज अपन केमिस्ट्री में जो अपनी पिछली क्लास जहाँ स्टार्ट हुई थी, पॉलीमर नामक जो चैप्टर चल रहा था, उसे आगे की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो बहुलक है, जिनका कहाँ कहाँ यूजेज होता है, उनकी बात करेंगे। तो अपनी जो आज हेडिंग रहेगी वो ये रहेगी, सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक, उनकी बात करेंगे आज। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बहुलकों में एक आपका आता है जिसको आप बोलते हो टेफ्लॉन, और इसका दूसरा नाम है पीटीएफई, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। चलिए देखना, इसकी एकलक इकाई है वो आपकी होती है टी एफ ई, और इसका मतलब हो गया टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसा आप जानते हो ये आपकी होती है एथीन। अब यहां पर लिख रखा है फ्लोरो एथीन, यानी कि टेट्रा फ्लोरो है, कितने फ्लोरीन एटम आपको जोड़ने पड़ेंगे, चार फ्लोरीन एटम आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो यहां पर यहां से दो हाइड्रोजन उठाऊंगा, यहां से दो हाइड्रोजन उठाऊंगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये सी एफ टू, और इधर भी क्या हो गया आपका सी एफ टू। ये बन गया दोस्तों आपका टेट्रा फ्लोरो एथीन। अब अपन क्या करवाएंगे, इसमें बहुलीकरण की क्रिया करवाएंगे, और बहुलीकरण की जब क्रिया इसमें करवाएंगे दोस्तों, तो यहां से वैलेंसी फ्री होगी, इसके एन अणु पार्टिसिपेट होंगे, और वैलेंसी फ्री होने के बाद में आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों, और इसको बोला जाता है टेफ्लॉन टेट्रा फ्लोरो, और ये क्या है आपका एथिलीन, और एक प्रकार का ये पॉलीमर बन गया, तो इसको क्या बोल दोगे, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। और इसका उपयोग किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर में, नॉन स्टिक कुकवेयर मतलब जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं, जिससे कि उनकी जो बर्तनों की तली है वो ब्लैक नहीं हो, और उन पर खाना किसी प्रकार से जमे नहीं, इसमें उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। दोस्तों ये जो आपका टेफ्लॉन होता है, ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल होते हैं, उन प्रबल अम्लों में ये होता है दोस्तों। जैसे प्रबल अम्ल कौन से, कंसंट्रेट जितने भी है, जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया आपका, इन सब में क्या होता है दोस्तों, ये अविलेय होता है। इसके अलावा दोस्तों ये जितने प्रकार के कार्बनिक जो विलायक होते हैं, इनमें विलेय नहीं होते हैं, और ये एक प्रकार के जंगरोधी क्षार होते हैं। ये बात की अपने दोस्तों टेफ्लॉन की, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन की। चलिए दोस्तों अब अपन आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार का जो प्रमुख आपका पॉलीमर है, उसको अपन बोलते हैं बेकेलाइट। देखिए दोस्तों, बेकेलाइट है ये एक प्रकार का ताप ड्रिड रेजिन होता है, और अभी अपन ने ठीक पहले पढ़ा आपका टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन है ये एक प्रकार का
इसका जो एकलक है वो समबहुलक होता है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां काम में आ रही है। दूसरी अपन बात करेंगे दोस्तों बेकेलाइट की, देखना बेकेलाइट, ये जो बेकेलाइट होता है मैंने आपको बताया था जहां पर थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया था कि एक प्रकार का ताप ड्रिड रेजिन होता है या ताप ड्रिड बहुलक होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल दे दिया मान लो और पूछे कि इनमें से ताप ड्रिड रेजिन कौन सा है, या डायरेक्ट पूछ सकते हैं बेकेलाइट उदाहरण है तो ताप ड्रिड रेजिन का थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके मोनोमर की बात करेंगे, इसके जो मोनोमर होते हैं वो होते हैं आपके फिनोल, और फिनोल के साथ में फॉर्मल्डिहाइड होता है दोस्तों। इसकी क्रिया होती है एसिड या बेस की उपस्थिति में, जो आप क्या लोगे यहां पर है डाइल्यूट, इस एसिड या बेस की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे। अब आपको पता है देखो यहां पर बेंजीन जो रिंग होती है, इस बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन पर क्या उपस्थित होता है, यहां हाइड्रोजन उपस्थित होता है। और आपको यह पता है जब आप फिनोल की अनुनादी संरचनाएं देखते हो तो वहां पर ये जो आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड इस फॉर्म में होता है HCOH। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मल्डिहाइड यहां पर अटैक करता है और ये क्या बना देगा, यहां से CH2OH बना दिया। तो यहां पर इस ऑर्थो पोजीशन का एक उत्पाद बन सकता है और एक आपका यहां पर पेरा प्रोडक्ट बनता है। यहां पर मेटा बनने की संभावना नहीं है क्योंकि जहां आप पढ़ते हो बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं वहां पर जो आपका नेगेटिव चार्ज आता है वो कहां कहां आता है दोस्तों, ऑर्थो और पेरा पे आता है। समझ गए मेरी बात को? चलिए तो यहां से आपके दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना हुई, यहां मैंने लगाया OH, यहां लगा दिया CH2OH। दोस्तों इसको बोला जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और आपको जब भी कभी ये बेंजीन दिखाई दे रही है और इस बेंजीन पर यदि ये CH2 समूह है और इसकी कोई वैलेंसी फ्री दे रखी हो तो इसको बोला जाता है बेंजिल। समझ गए? तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी और ये OH आपका एक प्रकार का एल्कोहल होता है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, और एक बनता है दोस्तों आपका पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। दूसरा वाला जो आपका प्रोडक्ट बना दोस्तों इसको अपन बोलते हैं पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बोला जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखना, ये आपको दिखाई दे रहा है बेकेलाइट कैसे बनता है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो और तो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है और ये आपका पेरा हाइड्रोक्सी जो बेंजिल एल्कोहल है, इनमें आगे संघनन होता है और संघनन होने के बाद में आपका टॉप ड्रिड रेजिन बनता है जिसे आप बेकेलाइट कहते हो। लेकिन इससे पहले क्या होता है, यहां पर आपका एक कंपाउंड और बनता है जो होता है आपका रेखीय बहुलक होता है, लीनियर पॉलीमर होता है, और इस लीनियर पॉलीमर को दोस्तों अपन बोलते हैं नोवोलेक, नोवोलेक बोला जाता है। इस नोवोलेक की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है, इससे बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल से, ये आपका फिनोल है। अब यहां पर क्या करोगे आप, CH2 समूह होगा, यहां भी क्या होगा आपका कोई CH2 समूह होगा, ऐसे लीनियर फॉर्म में जुड़ते चले जाएंगे और इसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे पॉलीमर के रूप में, जिसे आप क्या कहते हो दोस्तों, नोवोलेक बोलते हो। और ये जो नोवोलेक है ये एक प्रकार का रेखीय बहुलक होता है।
अब देखना दोस्तों, यहां पर अपन फॉर्मेल्डिहाइड है और आपका जो फिनोल है इसके अनुपात के आधार पर देखेंगे। यदि फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का यदि अनुपात एक से कम हो, समझ गए मेरी बात को, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड यदि इनका अनुपात एक से कम हो तो आपका दोस्तों जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो तो होता है नोलक। और यदि इनका अनुपात, फिनोल की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहा हूं मैं, इनका अनुपात एक से क्या हो दोस्तों, ज्यादा हो, तो आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो बेकेलाइड होता है। और बेकेलाइड किस प्रकार फॉर्म करता है तो देखिए दोस्तों, आपके जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है और पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल है, इनमें होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, संघनन बहुलकीकरण होता है। और संघनन बहुलकीकरण होने के कारण ये क्या बना देते हैं, आगे आपका एक प्रकार की स्ट्रक्चर बना देते हैं जहां से NH2O अणु बाहर निकलता है। देखना दोस्तों, यहां आपको पता है यहां हाइड्रोजन होता है तो यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर H2O रिलीज हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि यहां भी क्या होगी, कोई दूसरी स्ट्रक्चर होगी, समझ गए, उसका H और इसका O से निकलेगा, उधर ही क्या होगा, इसका H दूसरे वाले का क्या निकलेगा, OH निकलेगा। और आप क्या कर दोगे, इस प्रकार फॉर्म कर दोगे बेकेलाइट को, यहां OH होगा, यहां CH2, फिर यहां आपका OH। तो देखो वहां पर तो आपका जो बनने वाला पॉलीमर था नोलक वो था रेखीय, और यहां पर जो आपका पॉलीमर बनेगा दोस्तों, ये पॉलीमर कैसा होगा आपका, यहां बनने वाला जो आपका पॉलीमर होगा वो होगा साखित। ये दोस्तों ऐसे जुड़ते चले जाएंगे बहुत सारे अणु आपके, और इसे आप क्या बोल दोगे, ऐसे नीचे फिर OH वगैरह जोड़ते चले जाएंगे, और इसी को आप क्या बोलोगे, बेकेलाइट बोलते हो दोस्तों। और इस बेकेलाइट का जो उपयोग है वो किया जाता है जितने भी विद्युत रोधी उपकरण होते हैं, जैसे अपने ये बिजली के स्विच हो गए, इनको बनाने में बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रसोई में जो अपन, जैसे कुकर है उसका हैंडल वगैरह आता है, तो उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं PVC, अगला जो अपना पॉलीमर रहेगा उसे बोलते हैं अपन पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखिए नेक्स्ट पॉलीमर अपना पॉलीवाइनिल क्लोराइड। देखो मैंने बताया था कि ये एक प्रकार का क्या है, समबहुलक है, जो वाइनिल क्लोराइड के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा बनता है। देखना PVC इसको बोला जाता है पॉली वाइनिल क्लोराइड, समझ गए। चलिए ये कैसा एक प्रकार का वाइनिल क्लोराइड का समबहुलक होता है, क्योंकि वाइनिल क्लोराइड की जो एकलक इकाइयां होती है वो समान प्रकार की होती है और वही भाग लेती है। इसके अलावा वाइनिल क्लोराइड की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, जुड़ती चली जाती है। इसका मतलब इसमें जो बहुलीकरण की क्रिया होगी वो योगात्मक बहुलीकरण होगा। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो बहुलीकरण होगा वो आपका होता है योगात्मक बहुलीकरण। देखना क्या होता है, जैसे आप जानते हो एथीन, इसका हाइड्रोजन उठाना है आपको, यहां क्या लगाना है दोस्तों, Cl लगाना है। Cl लगाने के बाद में ये आपका बन गया वाइनिल क्लोराइड। अब इसमें क्या करवाना है, इसके N अणु भाग लेंगे, इसमें क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, और जो पॉलीमराइजेशन होगा यहां पर वो आपका परोक्साइड की उपस्थिति में होता है।
परोक्साइड जानते हो ये। अब इसमें परोक्साइड की उपस्थिति में होता है तो यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, जिसके कारण क्या होगा आपको पता है, मुक्त मूलक बनते हैं और लास्ट में जब समापन स्टेट आती है, इसमें तीन प्रकार की स्टेज होती है। मुक्त मूलक क्रियाविधि में श्रृंखला का सबसे पहले किया जाता है प्रारंभक किया जाता है और अंत में उसका क्या किया जाता है समापन किया जाता है, और बीच में उसकी क्या कर जाती है पद की वृद्धि कर दी जाती है। अब क्या होगा यहां से CH2CHCl और ऐसे बहुत सारे अणु जुड़ जाएंगे, इसको बोला जाता है PVC पॉली वाइनिल क्लोराइड। देखिए दोस्तों ये आपको जो दिख रहा है पीवीसी, इसमें आप काम में ले रहे हो परोक्साइड, ये परोक्साइड, इस परोक्साइड में ये आपका होता है ROOR होता है, इसमें एक बंद विखंडन की क्रिया होती है जिसको आप बोलते हो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इस होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है कि ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता समान होती है, और विद्युत ऋणता समान होने के कारण क्या होगा इस प्रकार का एरो, इसको बोला जाता है ये जो एरो काम में ले रहे फिश हुक एरो। जहां पर मैं जियो से स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर आपको मैं बॉन्ड क्लीवेज पढ़ाऊंगा, तो यहां पर क्या होगा 2RO ये बनेंगे, और ये किसकी उपस्थिति में होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और इससे क्या बनता है आपके रेडिकल बनते हैं, और ये जो रेडिकल होते हैं इसका मतलब इसमें होने वाली क्रिया क्या होती है मुक्त मूलक क्रिया विधि होती है। चलिए बात करेंगे इसके यूजेज की, किसके पीवीसी के यूजेज की, तो देखना दोस्तों पीवीसी एक प्रकार का चमकीला, ड्रिड प्रकार का एक प्रकार का आपका पॉलीमर होता है, इसके अलावा यह एल्कोहल है आपका पानी है, एल्कोहल है पानी है, इन सब में विलेय होता है कौन आपका पीवीसी। इसके अलावा एक होता है क्लोरीनीकृत पीवीसी, उसमें क्या होता है आपका जो ये बन रहा है पीवीसी, इसकी क्रिया आपको क्या करवानी है क्लोरीन के साथ करवानी है, इसका मतलब क्या होगा क्लोरोबेंजीन आप काम में ले सकते हो, तो उसे क्या बोलोगे क्लोरीनीकृत, क्लोरीनीकृत पीवीसी बोलते हो। और ये जो आपका बना हुआ क्लोरीनीकृत पीवीसी है इसका उपयोग किया जाता है चिपकाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके लेपन में किया जाता है, मतलब जो पीवीसी है वो आपका क्लोरोबेंजीन के साथ में ऐड करने पर क्या बना देता है क्लोरीनीकृत पीवीसी का निर्माण कर देता है। इससे क्या बनाए जाते हैं आपके बरसाती कोट बनाए जाते हैं, आई बात समझ में। इसके अलावा ये जो आपका पीवीसी है इसमें एक स्थाई कारक का यूज भी किया जाता है दोस्तों, स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है, और वो तब किया जाता है जब क्या हो जाता है इसकी क्रिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाई जाती है, और वहां से आपका क्या निष्कासन हो HCl का निष्कासन हो, तब इसको क्या लिया जाता है दोस्तों स्थाई कारक के रूप में भी काम में लिया जाता है। चलिए दोस्तों ये आपकी बात हो गई पॉली वाइनिल क्लोराइड की, आगे देखना दोस्तों अब अपन बात करते हैं आपका एक बहुलक होता है जिसको अपन बोलते हैं नाइलॉन 6। देखना दोस्तों जो आपका नाइलॉन 6 होता है, नाइलॉन 6 भी एक प्रकार का समबहुलक एक कैप्रोलेक्टम है उसके द्वारा बनता है, और इसमें क्या होगा योगात्मक बहुलीकरण की क्रिया होती है। चलिए दोस्तों क्या होता है देखना, इधर नाइलॉन 6, इसको नाइलॉन 6 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन होते हैं। देखना दोस्तों क्या होती है नाइलॉन 6 की संरचना, यहां पर कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपका क्या होता है जुड़ा रहता है, ये कार्बन हो गया
और एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। समझ गए मेरी बात को? तो एक दो तीन चार और ये पांच, और यहां आपका होता है NH समूह। हो गए? तो देखना, एक कार्बन तो ये हो गया, दो तीन चार पांच छह, कितने कार्बन होते हैं इसमें? छह कार्बन होते हैं। इसको बोला जाता है ई के प्रोलैक्टिन। बोल दिया? चलिए दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, वही बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग होने के कारण क्या होगा, CO CH2 का होल पाइप और आपका क्या बन जाएगा, NH। समझ गए? और ये हो गया, आई बात समझ में? कई जगह आपको यहां से भी बॉन्ड ब्रेक देखने को मिलेगी, CO NH CH2 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 का होल पाइप। ये भी आपको प्रोडक्ट कई बुक किताबों में देखने को मिलता है, और यहां पर क्या लगा दूंगा मैं, N लगा दूंगा दोस्तों। आई बात समझ में? ये बन गया आपका नाइलोन सिक्स। ये दोस्तों जो नाइलोन सिक्स है, ये एक प्रकार का रेसा ही होता है, और ये जो आपको नाइलोन सिक्स दिखाई दे रहा है, इसका उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के जो आपके रेसे वगैरह होते हैं उनमें किया जाता है। ये एक प्रकार का सफेद रंग का होता है, और इसकी तन क्षमता सर्वाधिक होती है। इसके अलावा दोस्तों, यह गिटार, जानते हो आप जो वाद्य यंत्र होते हैं, गिटार है, वायलिन है, सितार है, इनके जो तार वगैरह होते हैं, इनको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, इस नाइलोन सिक्स का यूज किया जाता है दोस्तों। आगे देखना दोस्तों, अगला अपन बात करेंगे, जो पॉलीमर पढ़ने जा रहे हैं वो आपका होता है नाइलोन सिक्स सिक्स। मैंने बता रखा है आपको कि नाइलोन सिक्स सिक्स क्यों बोला जाता है उसको, तो नाइलोन सिक्स सिक्स उसको इस कारण बोला जाता है क्योंकि क्या होता है, उसमें आपकी जो एकलक इकाइयां होती है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और आपका एडिपिक अम्ल, उसमें छह छह कार्बन परमाणु होते हैं। चलिए बात करेंगे अपन नाइलोन सिक्स सिक्स की। देखिए दोस्तों क्या होता है, यहां पर इसकी बात करेंगे मोनोमर की। मोनोमर क्या लेते हैं काम में, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमिन लेते हैं। इसके अलावा यहां पर जो काम में लिया जाता है एडिपिक एसिड। चलिए दोस्तों, हेक्सा से स्पष्ट है और मिथाइलिन से स्पष्ट है कि इसमें छह कार्बन एटम होंगे, जो आपके कौन से होंगे, CH2 हॉल सिक्स। इसके अलावा आपकी जो एमाइन होगी वो कितने हैं, डाई, इसका मतलब इधर होगा एक तो और एक इधर होगा। चलिए दोस्तों, आपका जो एडिपिक अम्ल होता है वो एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इसमें यहां पर चार मिथाइलिन समूह है, और ये आपका हो गया COOH। अब देखना दोस्तों, यहां पर देखो चार दो छह कार्बन हो गई, हो गए, और इधर भी कितने कार्बन हो गए, छह कार्बन हो गए। इस कारण इसका नाम क्या हो गया, नाइलोन सिक्स सिक्स हो गया। अब यहां पर क्या होगा, इसकी एन यूनिट भाग लेगी, यहां पर भी क्या होगा, इसकी भी एन यूनिट भाग लेगी। चलिए दोस्तों, यहां से देखो इसका निकलेगा OH और इसका क्या निकलेगा, एक H, इसका मतलब यहां से H2O। और ऐसे बहुत सारे अणु आपस में जुड़ रहे हैं, तो आपको पता है यहां से क्या निकलेगा, बाहर NH2 बाहर निकलेगा, और इधर वाला आपको पता है कार्बोक्सिलिक समूह का OH निकल रहा है, तो यहां से भी क्या निकलेगा, कार्बोक्सिलिक समूह का OH निकलेगा, और इधर एमाइन का क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि यहां पर निकल रहा है वाटर मॉलिक्यूल से बाहर निकल रहा है। तो अब क्या बना दोगे आप, NH जोड़ दिया, CH2 का होल सिक्स, फिर आपका NH CO CH2 का होल फोर CO,
बन गया। चलिए दोस्तों, ये जो आपका कंपाउंड बना है, आपका पॉलीमर बना है, इसी को आप क्या बोलते हो, नाइलोन सिक्स सिक्स। और ये एक प्रकार का आपका होता है पॉलीएमाइड। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि आप जानते हो आपका जो एमाइड होता है, एल्किल एमाइड होता है, वो एल्केन एमाइड ये होता है। और इसमें ये जो बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो कौन सा होता है, एमाइड लिंकेज होता है। और ये जो एमाइड लिंकेज आपको देखने को मिल रहा है यहां पर सी ओ एन एच, ये सी ओ एन एच आपका यही है। आई बात समझ में? तो लाइन नाइलोन जो आपका सिक्स सिक्स है, ये दो प्रकार की यूनिट से मिलकर बना होता है। एक तो आपका हो गया दोस्तों हेक्सामेथाइलिन डाइएमिन और एडिपिक एसिड है। आपसे पूछे कि इस प्रकार का बहुलक बताइए जिसमें कि पॉलीएमाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एग्जांपल क्या लिखोगे दोस्तों, नाइलोन सिक्स सिक्स। नाइलोन जो सिक्स सिक्स होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का प्लास्टिक और रेशा दोनों होते हैं। ये प्लास्टिक भी होते हैं और रेशे होते हैं। और इनका दोस्तों जो घर्षण प्रतिरोध होता है, घर्षण प्रतिरोध बहुत ज्यादा ऊंच होता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है, टायर है, उन टायर्स के धागे बनाने में इस नाइलोन सिक्स सिक्स का उपयोग किया जाता है। ये बात की अपन ने दोस्तों नाइलोन सिक्स सिक्स की। बस खास बात यह है, इसमें लिंकेज जो पाया जाता है वो होता है दोस्तों पॉलीएमाइड लिंकेज। चलिए अब देखना, मैंने आपको बता रखा था डेक्रोन की बात की अपन ने। डेक्रोन में क्या होता है, वहां पर आपको ट्रथेलिक अम्ल लेना है काम में, समझ गए मेरी बात को, और एथिलीन ग्लाइकोल लेने काम में। वहां पर जो लिंकेज होती है वो एस्टर लिंकेज होती है। इसका मतलब वहां पर बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो एस्टर होता है, और उसको अपन पॉलीएस्टर बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ती चली जाती है। देखिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं पॉलीएस्टर। जानते हो एक विशेष प्रकार का रेशा होता है जिसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में आजकल किया जा रहा है, पॉलिएस्टर में। मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको, क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि इसमें सलवटें नहीं पड़ती है और आयरन करने में भी क्या होती है, आसानी रहती है, और इसका धागा होता है वो सिकुड़ता नहीं है। चलिए दोस्तों, अपन बात करेंगे एक प्रकार का पॉलीएस्टर। और पॉलीएस्टर में विशेष बात करेंगे अपन यहां पर डेक्रोन की। देखो इसको डेक्रोन भी बोलते हैं, इसको दोस्तों टेरिलीन भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है पीईटी। पीटी का मतलब हो गया पॉली एथिलीन टर्थेलेट, पॉली एथिलीन टर्थे लेट। चलिए दोस्तों, तो ये एक प्रकार के संघनन बहुलीकरण द्वारा बनता है, आपको पता है, क्योंकि यहां से क्या होता है, यहां से आप एल्कोहल का अणु भी निकाल सकते हो बाहर, और यहां से आप एक वाटर का मॉलिक्यूल भी बाहर निकाल सकते हो, यदि आप यहां पर ये लेते हो। समझ गए मेरी बात को? चलिए अब देखना दोस्तों क्या होता है, बना रहा हूं मैं डेक्रोन या टेरिलीन, इसके एकलक इकाई की बात करेंगे। एकलक इकाई जानते हो, एकलक इकाई एक तो आपकी होती है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा आपका होता है ट्रथेलिक अम्ल। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये आपका एथाइल है, एथाइल पॉलीएथिल ट्रथेलेट,
अब देखना दोस्तों, एथिलीन ग्लाइकोल आप जानते हो सभी, आईपीसी नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एथेन 1.2 डाइओल, और इसका सामान्य नाम क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल। समझ गए दोस्तों? चलिए, और इसको अपने पॉली एथिलीन ट्रिथियल लेट इसलिए बोला क्योंकि ये क्या होता है, इसमें पॉली ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के। चलिए, अब क्या करते हैं ट्रिथियलिक अम्ल, जानते हो बेंजीन रिंग है उसकी 104 पोजीशन होती है, 13 पोजीशन होती है, वहां पर आपको दोस्तों लगाना है कार्बोक्सिलिक समूह, इधर भी क्या लगाना है, कार्बोक्सिलिक समूह। अब क्या होगा, इसके भी एन अणु पार्टिसिपेट करेंगे, इसके भी दोस्तों एन अणु पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहां से देखो इस वाले का OH और इस वाले का ये H निकल जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहां यदि आपको एस्टर बनाना हो तो H के स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, R लिख सकते हो, यदि H के स्थान पर R हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रिथेलिक अम्ल एक प्रकार का एस्टर हो जाएगा, और ये होने पर यहां से रिलीज क्या होगा, देखो यहां से आपका बाहर क्या निकलेगा, एल्कोहल का अणु बाहर निकलेगा। अब क्या होगा, NH2O मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेंगे। अब आपको पता है कि जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसका तो क्या निकला बाहर, H, तो इधर से भी बाहर क्या निकाला आपने, H निकाला। चलिए क्या बचा, यहां ऑक्सीजन बच गया आपका CH2, फिर CH2, समझ गए, फिर यहां पर क्या बचा, केवल ऑक्सीजन बचा, फिर आपका यहां CO, और फिर आपकी ये क्या रह गई, अबे ये आपकी बेंजीन वलय है, और इस बेंजीन वलय से आपका जुड़ा हुआ है ये समूह। अब आपको ये पता है कि ये जो OH है, यहां आगे कोई दूसरा अणु आएगा एथेन 1.2 डाइओल का, तो वो H और OH यानी H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे, यहां से NH2 अणु बाहर निकले, और यहां पर क्या हो गए, ऐसे बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते चले जाएंगे दोस्तों, और इसको अपन क्या बोलोगे, इसको दोस्तों बोला जाता है डेक्रोन या टेरिलिन। अब देखना दोस्तों, ये जो बॉन्ड पाया जा रहा है, इसमें लिंकेज दिखाई दे रही है आपको, ये लिंकेज आपकी एक प्रकार का एस्टर बॉन्ड होता है। अब देखो इसे बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे, इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा, पॉलीएस्टर। अब देखो यहां से क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन ये बना कि एक ऐसे पॉलीमर का एग्जाम्पल बताइए जिसमें कि पॉलीएस्टर बॉन्ड पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डेक्रोन हो जाएगा, और आपका टेरिलीन हो जाएगा, और यदि कई बार ये दोनों ऑप्शन में आपको नहीं दिए हुए हो तो आपको वहां PETB भी दे सकता है दोस्तों। मान लो यदि एलिफेटिक एकलकों से बने हुए हो तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं, एलिफेटिक पॉलीएस्टर, एलिफेटिक पॉलीएस्टर, और यदि ये एरोमेटिक पॉलीएस्टर से बने हुए हो तो दोस्तों इसे एरोमेटिक पॉलीएस्टर बोला जाता है, और ये एक प्रकार का कृत्रिम रेशा होता है दोस्तों, और इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और इसका जो उपयोग है आजकल हेलमेट्स वगैरह में भी किया जाने लगा है, किसका, टेरिलीन या डेक्रोन का। इसके अलावा दोस्तों अपन यहाँ पर डाइओल है उसके द्वारा भी क्या बना सकते हैं, पॉलीएस्टर बना सकते हैं, समझ गए मेरी बात को, क्या करना आपको, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, और इसके अलावा
आपको यहां पर लेना है डाई। अब समझ गए ना, जिसमें क्या हो दो OH समूह। तो देखना, देख लो इसको एक बार, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और आपका जो डाई ओल होता है उसकी बात करेंगे अपन। देखिए दोस्तों, वो भी क्या होती है आपके एक प्रकार के पॉलीएस्टर होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें क्या हो दो कार्बोक्सिलिक समूह। ऐसे भी बोल सकते हो आप डाइओल, ऐसे भी बोल सकते हो दो ओच क्या हो समूह। आई बात समझ में, यहां से आपका ओच निकलेगा, ये एच निकलेगा, इधर भी क्या निकलेगा एच निकलेगा, इधर क्या निकलेगा ये एच निकलेगा। अब ऐसे क्या करना आपको, जोड़ना इनको। आई बात समझ में दोस्तों, तो क्या बनेगा आपका पॉलीएस्टर ही बनेगा, और ये किसके द्वारा बनेगा, संघनन बहुलीकरण की क्रिया द्वारा बनता है। कौन सा दोस्तों, पॉलीएस्टर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और डाइओल क्रिया करते हैं, तो आपका क्या बनता है पॉलीएस्टर बनता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों एस्टर लिंकेज पाई जाती है, एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो ये दोस्तों अपन ने बात की थी आज कुछ महत्वपूर्ण जो पॉलीमर्स होते हैं आपके उनकी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।